कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक बंद इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान राख हो गया। वहीं आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी वजह से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही आग लगने की सूचना पर SDO नीरज कुमार, SDPO अमरकांत झा, नगर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। दरअसल मंगल बाजार श्यामा टॉकीज के समीप ही लरकनिया निवासी मोहम्मद इरशाद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद पड़ी है, लेकिन बुधवार शाम आसपास के लोगों ने देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा है, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई और फिर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।